राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस से पहली मौत पिपलिया कुलमी गांव में हुई है, जहां गांव के 50 वर्षीय युवक को कुछ महीनों से लंग्स टीबी की समस्या होने के कारण झालावाड़ राजस्थान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी कोरोना जांच करवाई गई। दो दिन बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना प्राप्त होते ही परिवार वालों को होम क्वारंटाइन करके उनके जांच सैंपल जिला अस्पताल राजगढ़ भेजे गए। हमें झालावाड़ से जानकारी मिली थी कि ग्राम पिपलिया कुलमी के एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई है, तो उसी समय उनके द्वारा बताया गया कि चूँकि परिजनों की सहमति थी कि वो स्वयं जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, इसलिए झालावाड़ से उनको जो शव था सौंप दिया गया। और हमें जैसे ही सूचना मिली तो हमने पुलिस को और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया और उनके अंतिम संस्कार के लिए जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार तैयारी शुरू करवा दी। और जैसे ही शव वाहन एम्बुलेंस में माचलपुर पहुंचा, पुलिस की गाड़ी और राजस्व विभाग के कर्मचारी साथ में गए और पिपलिया कुलमी में जो मुक्तिधाम है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत। केवल जो 4 लोग उनके परिवार के थे उनके द्वारा पीपी किट पहना गया था और उसी के अंदर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। बाद में वो पीपी किट थी उसको भी डिस्पोज कर दिया गया। चूँकि ये कोरोना से मृत्यु का क्षेत्र में पहला मामला है और मृतक की आयु भी 55 वर्ष के लगभग थी, इसके साथ ही वो अन्य कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी थे जिसका इलाज चल रहा था। हो सकता है कि इसी दौरान उनको कोरोना का संक्रमण हुआ हो और जो कि उनकी मृत्यु का एक कारण बन गया। मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करूँगा कि वो कोरोना बीमारी को हल्के में ना लें और अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो भी आपके टेस्ट के लिए आते हैं उनको पूरा सहयोग प्रदान करें और टेस्ट कराएं। सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण होने पर तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आएं और यदि कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते हैं आपके अंदर तो आप तत्काल उसकी जांच कराएं और होम क्वारंटाइन करने का जो सिस्टम हमने रखा हुआ है वो कड़ाई से पालन करें। बाकी कुछ जो हमारे क्षेत्र में कोरोना पेशेंट हैं उनका कोरोना के कोविड केयर सेंटर जीरापुर वहाँ पर इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। थैंक यू।